8087 इंस्ट्रक्शन सेट, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। जो सारे कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन होती है वो कंपेयर होती है ऑपरेंड के साथ और जो भी जो कंडीशन कोड फ्लैग्स होंगे उनके साथ। देखिए कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस के जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है जो है FCOM, ये जो इंस्ट्रक्शन है कंपेयर करेगी रियल इंटीजर ऑपरेंड को जो कि स्टैक रजिस्टर और मेमोरी से शो होगा, और उसको क्या करेगी, जो भी स्पेसिफाइड ऑपरेंड होगा स्टैक रजिस्टर मेमोरी के साथ वो कंपेयर होगा। ये इंस्ट्रक्शन जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा उसके ऑपरेंड को शो करेगी, जो कंटेंट होगा स्टैक के टॉप में वो कंपेयर होगा किसी भी कंटेंट यानी जो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट होगा और कोई भी दूसरा स्टैक रजिस्टर्स हो सकता है उसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने कंडीशन कोड बीट की थी, कंपेयर किया था, उसमें हमने जो हमारी कंडीशंस थी उसमें हमने ये टेबल किया था जो कंपेयर करता था, लेकिन इसमें क्या है, जो C0 है और C3 है सिर्फ इन दोनों को लेते हैं इसके लिए, इन दोनों बाकी जो ये दो चीजें हैं C1 और C2 जो कंपेयर करेंगे, जो कंडीशन को शो करते हैं, कंडीशन कंट्रोल बिट को शो करते हैं, इनको नहीं लेते। मैंने ये वैसे ही शो किए हैं, लेकिन अगर C0 0 है और C3 0 है तो स्टैक टॉप ज्यादा होगा सोर्स से, और अगर C0 1 है और C3 0 है तो स्टैक जो सोर्स होगा वो ज्यादा होगा स्टैक टॉप से। अगर C0 0 है और C3 1 है तो स्टैक टॉप इक्वल होगा सोर्स के, और अगर 1 1 है तो स्टैक टॉप जो होगा वो कंपेयरेबल नहीं होगा। ये तो थी FCOM। नेक्स्ट है FCOMPP। डबल एक में P1 है एक में 2P है। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ये वैसे ही वर्क करती है जैसे FCOM करती है, यानी FCOM कैसे कर रही थी, FCOM ये जो FCOM इंस्ट्रक्शन थी वो कंपेयर कर रही थी रियल और जो इंटीजर ऑपरेंड था जो भी स्पेसिफाई होता है एक स्टैक रजिस्टर और मेमोरी से, ये इंस्ट्रक्शन जो होती है स्टैक के टॉप पे जो भी इम्प्लीसाइड ऑपरेंड होता है जो कंटेंट होता है टॉप ऑफ स्टैक का वो कंपेयर करती है किसी भी मेमोरी लोकेशन के साथ या किसी भी स्टैक रजिस्टर के साथ, सेम वही फंक्शन ये परफॉर्म करेगी, लेकिन जो FCOMP होगी वो इंस्ट्रक्शन एक पॉप ऑपरेशन करेगी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, और FCOMPP ये दो पॉप ऑपरेशन करेगी FCOM इंस्ट्रक्शन के बाद, यानी कि जब FCOM इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी ये इंस्ट्रक्शन है तो एक पॉप ऑपरेशन लगेगा फिर एग्जीक्यूशन होगी, और जब FCOM ऑपरेशन खत्म होगा अगर 2P है तो दो पॉप ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ये वर्क करती है। नेक्स्ट है FIST। ये जो इंस्ट्रक्शन होगी टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ये कंटेंट जो होगा स्टैक टॉप का अगर 0 होता तब इसका यूज होता है, जो कंटेंट होगा स्टैक टॉप का वो कंपेयर होगा 0 के साथ और जो कंडीशन कोड फ्लैग होगा उसके अकॉर्डिंगली ही मॉडिफाइड होगा। देखिए कुछ इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट है FXAM। ये इंस्ट्रक्शन जो होगी ये एग्जामिन करेगी जो स्टैक टॉप का कंटेंट होगा उसे और मॉडिफाई करेगी कंडीशन कोड फ्लैग को। देखिए इसका हम जो टेबल है वो देखते हैं, इसका टेबल कुछ इस तरह से होगा, जो एग्जामिन करेगी C0, C1, C2 और C3 फॉर कंडीशन कोड बिट्स हैं। अगर ये 000 होती हैं तब तो ये क्या शो करेगी अननॉर्मल्ड, जो हमारा ऑपरेशन होगा जो भी इंटरप्रेशन होगा वो अननॉर्मल होगा। अगर 001 है तो NAN यानी इनवैलिड होगा और एक्सपोनेंशियल होगा पॉजिटिव रहेगा। अगर 0010 है तो नेगेटिव अननॉर्मल्ड, ये हम कर चुके हैं 0011 ये रहेगा माइनस NAN। नेक्स्ट है 0100 नॉर्मल। देखिए मैं कुछ और बोल रही हूँ यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ये जो चीज है ना जो यहाँ पे रिटर्न में दी गई है ये हम कर चुके हैं कंडीशन कोड बिट में, सेम वही है इसलिए मैंने वही जो एक्सप्रेशन है वही शो किया गया है, इसको कुछ अलग से नहीं लिया इसलिए ताकि कंफ्यूजन हो जाती है, इसी वजह से सेम लिया है। अगर 010 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और अगर ये नहीं लिखना तो प्लस इनफाइनाइट डायरेक्ट लिख दो, वही चीज है बस मैंने रिटर्न में
लिखा हुआ है. नेक्स्ट है 0110 वैलिड रहेगी, नेगेटिव रहेगी, नॉर्मल रहेगी. 011 है इनफाइनाइट, नेगेटिव है, नेगेटिव इनफाइनाइट. 100 0 पॉजिटिव 0 रहेगी. 1001 है तो एम्प्टी. सेम इसी तरह से ही वही कंडीशन कोड बिट है जो कि हमने अपने लास्ट कंडीशन कोड बिट टॉपिक में की थी. सेम वही चीज है यहाँ पे. तो ये हमारी 8087 की जो हमारी कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.